अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा सगीर है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, बहरिया टाउन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पे काफ़ी हद तक सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि आबादी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, ताहा राव साहब। ताहा राव साहब से आइए डिटेल में बात करते हैं वहाँ के कुछ लैंडमार्क्स के बारे में। तो आइए हम आज बात करते हैं उन लैंडमार्क्स की। सबसे पहले जो हमारे पास लैंडमार्क मौजूद है वो है थीम पार्क। जी ताहा साहब, व्यूअर्स को बताइए थीम पार्क के हवाले से आप हमें क्या गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल लिखरा, जैसे अभी आपने बताया कि बहरिया टाउन कराची पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको वहाँ पे रिहाइश के साथ साथ बिजनेस के भी मौके दे रहा है। इसमें अगर लैंडमार्क्स की बात करें तो जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहला लैंडमार्क मेन जिना एवेन्यू पे आता है थीम पार्क के नाम से। आपने सुना होगा कि 1 नवंबर को जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो 4,000 रुपये पर हेड के हिसाब से इन्होंने टिकट रखा हुआ था, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा था। तो अब उन्होंने देखते हुए सारे रिव्यूज़ वगैरह देखे जब, तो इन्होंने कम कर दिया, अब सिर्फ 2,000 रुपये पर हेड के हिसाब से एंट्री है। और अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो थीम पार्क बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। इसके आसपास की जितनी भी कैटेगरीज हैं, हर तरह की कैटेगरी आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं प्लॉट्स मिल जाएंगे, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो अपार्टमेंट, और विला लेना चाहते हैं तो विलास। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि थीम पार्क के करीब या थीम पार्क के आसपास कोई अगर प्लॉट लेना चाहे और वहाँ रिहाइश करना चाहे या बना बनाया विला लेना चाहे, तो कोई ऐसा वहाँ पे विला या अपार्टमेंट मौजूद है जो कि लिया जा सके? जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे विलास मौजूद हैं। सबसे पहले प्रीसेंट 2 आ जाता है, प्रीसेंट 2 में 200 गज और 150 स्क्वायर यार्ड के विलास मौजूद हैं। उसके अलावा प्रीसेंट 3 आता है 2000 स्क्वायर यार्ड्स का, जिसमें 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट आपको मिलेंगे जो बिल्कुल थीम पार्क के साथ ही है। अगर अपार्टमेंट्स की बात करें तो प्रीसेंट 19 जो है बिल्कुल थीम पार्क के सामने, और उसमें टावर 1 से लेकर टावर 26 तक में आपको 2 बेड 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आइए हम मजीद आगे जानते हैं ताहा से। ताहा, हमें प्लीज़ बताएंगे कि जामिया मस्जिद के हवाले से वहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, और जामिया मस्जिद सुना है कि एशिया की बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है और लोग वहाँ भी चाहते हैं कि उसके करीब वो घर ले सकें या कोई ऐसी जगह ले सकें जहाँ से उनको आसानी हो, वो नमाज़ के लिए जा सकें और इतनी खूबसूरत मस्जिद में उनके बच्चे वहाँ मदरसे में पढ़ सकें और एक अच्छे तरीके से अपने मज़हब को फॉलो कर सकें, तो इसके हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर ग्रैंड जामा मस्जिद की बात करें तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद। और अगर इसकी खूबसूरती या डिज़ाइन की बात करें तो आप बहरिया टाउन कराची को देख के आप एक मिसाल ले सकते हैं कि जब पूरी सोसाइटी इतनी खूबसूरत बनाई गई तो एक सबसे बड़ी मस्जिद जो 80 एकड़ पर, उसको कितना खूबसूरत बनाया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मस्जिद के पास घर लेना चाहते हैं। अगर सबसे करीब प्लॉट्स की बात करें तो 500 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट 9 में इनको प्लॉट्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर 250 स्क्वायर यार्ड्स पे जाना चाहते हैं तो प्रीसेंट 6, 8 और 16 ऐसे प्रीसेंट है जिनमें 250 स्क्वायर यार्ड का अच्छे रेट पे आपको प्लॉट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है ताहा, मेरा एक सवाल है आपसे जामिया मस्जिद के हवाले से। जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि ये एक ग्रैंड मॉस्क है, एक बहुत बड़ी एशिया की मस्जिद है, तो क्या आपको इसकी थोड़ी और मालूमात होगी कि मस्जिद के अंदर क्या ख्वातीन जा सकती हैं, और इसके अलावा ये वहाँ पे ऐसे कौन से घर मौजूद हैं जो हम मतलब ख़रीद सकते हैं? बने बनाए ज़्यादा हैं या इस वक्त वहाँ प्लॉट की तादाद ज़्यादा है या उस वक्त अपार्टमेंट की वहाँ पर तादाद ज़्यादा है, ऐसा कुछ हमें गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें बहरिया टाउन ने अभी तक जितनी भी मस्जिद बनाई है प्रीसेंट 1 में या प्रीसेंट 5 में मिडवे कन्वर्शन में, हर मस्जिद में लेडीज़ के लिए अलग से जगह उन्होंने बनाई है। बैक साइड से एंट्रेंस से और फर्स्ट फ्लोर पे इजीली लेडीज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसी तरह से इस ग्रैंड जामा मस्जिद में भी उनके लिए सेपरेट जगह बनाई जाएगी जहाँ पर वो ईजिली नमाज़ अदा कर सकती हैं। और अगर इनके आसपास घरों की बात करें तो घर अभी इसके आसपास नहीं है। अगर आपको लेने ग्रैंड जामा मस्जिद के पास तो आपको प्रीसेंट 10 और 11 में विलास मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे विला लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। इसके आसपास की अपार्टमेंट की अगर बात करें, बहरिया हाइट्स का अपार्टमेंट आते हैं जो सिर्फ 2 बेड के हैं और 1100 स्क्वायर फीट के, जिनमें अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर जामिया मस्जिद के करीब मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो तो उनको मजहबी लिहाज से वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल मिल सकता है, उनको आसानी हो सकती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। हमारे पास मज़ीद कुछ लैंडमार्क्स हैं डांसिंग फाउंटेन के बारे में, आइए हम ताहा से जानते हैं। ताहा, डांसिंग फाउंटेन का वहाँ हमने बहुत नाम सुना है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्या है वहाँ डांसिंग फाउंटेन में जो लोग इतना ज़्यादा विलिंग हैं कि हमें खुद के वहाँ रिहाइश के लिए या वहाँ पे जो है वो जगह ली जाए जिसको वो खुद भी बना सकें अगर वो चाहें तो? देखिए, डांसिंग फाउंटेन की अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगह पे डांसिंग फाउंटेन बना हुआ है, एक कराची में और एक लाहौर में। कराची के डांसिंग फाउंटेन की अगर बात करें तो बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रीसेंट 28 में, अगर प्रीसेंट 28 के आसपास
प्लॉट्स की बात करें प्रीसिंक्ट 28 में 125 स्क्वायर यार्ड से, और अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड में देखना चाहते हैं तो आपको इजीली प्रीसिंक्ट 29 में या फिर बिल्कुल डांसिंग फाउंटेन के फ्रंट पर प्रीसिंक्ट 20 गोल्फ सिटी में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि डांसिंग फाउंटेन जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में पहली बार लोगों के लिए बहुत वैल्यू रखता है ये फाउंटेन, लाइक कि उनको दुबई नहीं जाना पड़ेगा, अब वो ये मंजर अपने घर से देख सकते हैं, लाइक उनको एक लग्जरियस लाइफ पाकिस्तान में ही मिल सकती है। मज़ीद हम एक लैंडमार्क जो है यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे है डे एंड नाइट जू। तो तहा हमें बताइए प्लीज़ कि डे एंड नाइट जू जो कि नाम से ही सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे लोगों के लिए कोई घर या विला या अपार्टमेंट मौजूद हैं जिसको वो करीब से जू को डेली देख सकें, आना जाना कर सकें? देखिए, ये जो डे एंड नाइट जू बहरिया ने बनाया, ये प्रीसेंट 19 में बनाया और उसके आसपास सिर्फ अपार्टमेंट से प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स 2 बेड 3 बेड और 4 बेड के, टावर 23 और 24 बिल्कुल डे एंड नाइट जू के सामने। और इसके अलावा अगर वहाँ पे अगर आप इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट लेना चाहें तो आपको इंस्टॉलमेंट पे भी अपार्टमेंट मिल सकते हैं जो अभी रेडी टू मूव नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट है 2 बेड 3 बेड और 4 बेड जो बहरिया ने खुद कंस्ट्रक्ट करके सेल आउट किए थे वो आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन वो पूरी कैश अमाउंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये बात कह सकते हैं कि जू जो है उनके लिए वहाँ पे बहुत कारामद हो सकता है, लाइक कि उनके बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो शाम को रोज़ अपने घर से बाय वॉक जू भी जा सकते हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? था बिल्कुल आप सही बोल रही हूँ, पूरा बहरिया टाउन कराची ऐसा ही है कि आप कहीं पर भी घर ले लें तो हर चीज़ आपको आसपास मिलेगी। जू थोड़ा सा अगर आप प्रीसेंट 25 की तरफ चले जू आपके लिए थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक सोसाइटी के अंदर ही हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक आखिरी यहाँ पे लैंडमार्क नहीं है, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आज के इस टॉपिक पे जो एक लास्ट लैंडमार्क मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ताहा से, वो है आईफिल टावर। आईफिल टावर का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आईफिल टावर जो है उसके हवाले से हम आइए ताहा से पूछते हैं कि ताहा, पाकिस्तान में आईफिल टावर के लिए लोग जो है वो विलिंग हैं कि हम वहाँ पे घर बना सकें अपना, तो ये बहुत एक बड़ी बात है, इसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट ताहा से ही डिस्कस करते हैं। ताहा हमें कुछ खास बात बताइए वहाँ की प्लीज़। देखें, आईफिल टावर जो बहरिया टाउन कराची में बना है वो प्रीसेंट 37 में, इससे पहले आईफिल टावर का हमने सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था, वो भी सिर्फ हमने पेरिस में देखा था। अब अगर हम सोचें कि यार पेरिस जाएं इतना खर्चा करें आईफिल टावर देखने के लिए, तो मलिक रियाज साहब ने आपको बहरिया टाउन कराची में दे दिया। प्रीसेंट 37 के अंदर ये बन चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इन्होंने, आपको याद होगा जब न्यू ईयर नाइट पर सेलिब्रेशन की थी तो इन्होंने आईफिल टावर और डांसिंग फाउंटेन पर की थी, तो बहुत अक्सरियत में लोग आए थे और उन्होंने वहाँ पर आईफिल टावर पर फायरवर्क्स देखा था। आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आईफिल टावर के आसपास पार्क्स वगैरह बनेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करेगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी जाके देखिएगा कि स्पोर्ट्स सिटी में प्रीसेंट 37 में आईफिल टावर बन चुका है, अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो कितना खूबसूरत है और कितने अच्छे डिजाइन के साथ ये आईफिल टावर बनाया गया है। आईफिल टावर के पास अगर प्लॉट्स की बात करें तो 500 और 1000 गज के प्लॉट्स अवेलेबल है जो आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है ताहा, जैसे कि हम सब जानते हैं और व्यूअर्स आप भी जानते हैं कि ताहा एक्सपर्ट हैं, इनको आपने पहले भी देखा होगा ऑन स्क्रीन पे, तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ताहा, क्या आपने पर्सनली जितने भी लैंडमार्क्स हमने आज डिस्कस किए हैं इनको जाके देखा है और इसमें से कितने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं? नहीं, सारे लैंडमार्क्स रेडी हैं, बस अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी ये लैंडमार्क्स बंद किए हुए, लेकिन उम्मीद है जब हालात बेहतर होंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे, उसके बाद इनको दोबारा खोल दिया जाएगा। डांसिंग फाउंटेन की अगर बात करें तो वो सिर्फ संडे के दिन होता है 7:30 से 9 बजे तक, हर 15 मिनट का शो चलता रहता है हर थोड़ी देर बाद। और अगर आईफिल टावर की बात करें आप वो जाके विजिट कर सकते हैं, अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन कुछ दिन बाद आप जाके आईफिल टावर भी देख सकते हैं। तो आज हमने बात की है कुछ लैंडमार्क्स के हवाले से, बहरिया जो है वो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, इसको विज़िट करने के लिए आप लोगों को शायद पूरा दिन भी लग सकता है। बहरिया पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। ताहा ने हमारी यहाँ पर बहुत हेल्प की, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताई। स्क्रीन पे दिया गया नंबर जो कि ताहा का भी नंबर यहाँ पर मौजूद है और मेरा इकरा का नंबर भी यहाँ मौजूद है, जैसे आपको अच्छा लगे आप मज़ीद यहाँ डिटेल्स ले सकते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।